टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। गोवंडी शहर में एक लड़की के साथ चार लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया। इस घटना के बाद सनसनी फैल गई है। आपको बता दें, महाराष्ट्र के गोवंडी के शिवाजी नगर इलाके में एक 20 साल की लड़की के साथ चार लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया है। घटना का खुलासा शनिवार की सुबह करीब 4:30 बजे हुआ है। ये लड़की कैटरिंग का काम कर घर वापस लौट रही थी और इन चार लोगों ने लड़की को अकेला देखा और उसे पास के ही एक कमरे में पकड़कर ले गए और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया और वहां से फरार हो गए। लड़की जब बाहर निकली उसके बाद इसने इस पूरे घटना की जानकारी शिवाजी नगर पुलिस को दी और घटना की जानकारी मिलते ही सूचना पर अपर पुलिस आयुक्त संजय दराड़े और पुलिस उपायुक्त श्रीकांत उपाध्याय मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने पीड़ित को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है और पुलिस ने इस सिलसिले में दो आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। फिलहाल पुलिस ने 10 टीमें गठित की है इस पूरे मामले की जांच पड़ताल और फरार आरोपियों की तलाश में, और इस संबंध में पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है। सुबह 4:30 से 5 के बीच में एक महिला बैंगनवाड़ी का जो पुराना बस डिपो है वहाँ से अपने घर 14 नंबर रोड पे जा रही थी, तो वहीं नाले पे बैठे हुए चार उसके परिचय के लोग बैठे हुए थे। उन्होंने उससे बात किया, उसमें से एक ने उसको रास्ते के बाजू में ही जो झोपड़पट्टी है उसमें एक झोपड़ी है वो खाली है, उसमें उसको लेके गए। उसके पीछे तीन लड़के भी गए और वहाँ पर उन्होंने उस पर ज़बरदस्ती रेप किया है। तो लड़की ने बाद में मेन कंट्रोल रूम को फ़ोन किया था। कंट्रोल से हमें जब उसकी कॉल मिला तो पुलिस स्टेशन का जो निर्भया पथक है, नाइट PI से ऑफिसर्स है, पूरा स्टाफ वहाँ जाके लड़की को पुलिस स्टेशन लेके आए, उसका इंक्वायरी किया, FIR रजिस्टर किया। सीनियर ऑफिसर्स ऑन द स्पॉट आए, उन्होंने कुछ गाइडेंस किया है, उसके तहत हमने 10 स्क्वाड बना के आरोपी को ढूंढने के लिए रवाना कर दिए थे। उसमें से दो आरोपी हमारे ताबे में हैं, दोनों माइनर बच्चे हैं, विधि संघर्ष क्षेत्र बागमस्ता, और बचे हुए दो आरोपी के पीछे भी हमने हमारी टीम गई है, जल्दी अरेस्ट करेंगे। सर, ये जो आरोपी है इनकी कुछ गुनहगारी या कुछ रिकॉर्ड है क्या? नहीं, इनका कोई गुनहगारी रिकॉर्ड नहीं है, माइनर बच्चे हैं। सर, लोगों को क्या आह्वान करेंगे? लोगों को यही बोलेंगे कि अपने बच्चों पे ध्यान दे, रात को देर रात घर के बाहर नहीं रहे, अपने बच्चे अपने अपने घर पे रहे तो ये अपन ऐसी घटनाएं अपन टाल सकते हैं।